और एक बार फिर से देख रहे हैं चावल, और यहाँ पे हमारी चावल हो चुकी है। देखिए चावल कैसे, हाँ चावल बहुत बढ़िया हो चुके हैं। और यहाँ पे हम चावल इसको देख रहे हैं, ये चावल टूट रही है, तो इसका मतलब चावल हो चुका है। तो अब हम एक काम करेंगे, चावल को उतार लेंगे, इसको ढक दिया और हम चावल को उतार लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ फिरनी का इंतज़ाम किया गया है, बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है फिरनी के अंदर से। देखिए ये अब हमारी फिरनी भी हो जाएगी थोड़ी देर में, देखिए कितना मज़ेदार टेस्ट होगा। आप देख सकते हैं, देखिए काजू किशमिश बादाम वगैरह वगैरह है, दिस डैट। इसको अभी हम ढाक देंगे कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद इसको उतार देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावल हमारा बहुत बेहतरीन हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं, देखिए देखिए इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी चावल हो गई है, आपको दिख रहा होगा ये सब चावल। अब थोड़ी देर में गोश्त हो जाएगी, गोश्त होने के बाद इसको डाल दिया जाएगा तह पे तह करके, उसके बाद बिरयानी आपका दम बिरयानी बन जाएगी। हाँ हो गया, काम कीजिए, वो वाला बड़ा वाला देखिए लाइए, हो गया ना, चल हो गए, भूख तो नहीं लग गए, बस बंद कर बंद कर बंद कर। बंद कर दीजिए, डाल सवाल कौन सी डाल बेटा, तेल डाल बे, तेल डाल, थोड़ा सा डाल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा गोश्त जो है वो पक चुका है, पक के लाल हो चुका है, देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये चावल हम अभी डाल देंगे, उसके बाद हाँ, और वहाँ पे हो गया, और हम यहाँ पे गोश्त डालेंगे, ये देखिए आप, इधर मेरा भी शक्ल देखा, देखिए यहाँ पे हम गोश्त डाले, ठीक है, हाँ हो गया।